हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज फिर मैं एक बार आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ सोया चाप की रेसिपी। मैं पहले भी कर चुकी हूँ पर मैंने सोचा कि एक बार और कर देती हूँ। एक्चुअली आज मेरे घर में आ रहे हैं मेहमान, तो मुझे उनके लिए बनानी थी सोया चाप। तो यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा सा ना बॉयल कर लिया था इन्हें, चाप को, चाप की जो ये स्टिक्स हैं, और इनको मैंने कट लगा के बीच में से इनकी जो स्टिक है वुडन वाली वो निकाल दूँगी, और उसके बाद इनको छोटे छोटे पीसीज में कट कर लूँगी। तो आप कितने बड़े पीसीज में कट करते हो ये आपकी मर्जी है। तो पहले मैं इनको सारी स्टिक्स को निकाल के और इनको कट करती जाऊँगी। तो मैंने ये देखिए इतने बड़े टुकड़े लिए हैं, करीब 1 इंच बड़े टुकड़े हैं ये, और कुछ को मैंने डबल में ही काट लिया और कुछ को मैंने बीच में से काट के तब काटा है। तो जैसे आप काटना चाहें ऐसे काट सकते हैं। तो ये मेरी सारी स्टिक्स हो गई कट के तैयार। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने पीसेस काट लिए हैं इसके, और ये लकड़ी के वुडन हैं जो इसमें से निकले हैं। तो ये करते हैं मैरिनेट की तैयारी। तो ये मैंने दही है, करीब 2 घंटे के लिए मैंने इसको एक कपड़े में स्ट्रेनर में रख के छान लिया था, तो जो इसका एक्सेस पानी था वो निकल गया है और ये जो दही है वो थोड़ा सा थिक हो गया है। तो हमें ऐसा ही दही चाहिए मैरिनेट के लिए। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, क्रीमी टेक्स्चर आ चुका है इसका। तो यहाँ करते हैं मैरिनेट की तैयारी। तो एक ये बड़े से बाउल में मैंने ये सोया चाप जो है ये ट्रांसफ़र कर लिए हैं। तो इसको मैं चम्मच की हेल्प से करूँगी, और ये वो दही है जो मैंने थोड़ी सी थिक कर ली थी, तो इसको मैं हल्का सा फेंट लूँगी दही को, तो थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा इसका। तो इसको मैं इसमें ऐड करूँगी, और मुझे ये इतनी चाहिए कि जितनी भी सोया चाप के पीसेस हैं ये अच्छे से कोट हो जाएं, ये दही इनके ऊपर कोट हो जाए अच्छे से। और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, और नमक, और मैं करीब 2 चम्मच के आसपास यहाँ पे ऑयल लूँगी जो रिफाइंड ऑयल है। आप चाहें तो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और इसमें मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो ये करीब 2 चम्मच के आसपास मैंने ऐड किया इसमें, और ये है काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तो देखिए काफी थिक दही थी हमारी, इसकी वजह से ये पूरा अच्छे से कोट हुआ है और अच्छे से लग गया है पूरे सोया चाप के पीसेस के ऊपर। और उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिर्च, जो कि कलर के लिए हम ऐड करते हैं, वो मैं यहाँ इसमें डालूँगी। तो ये ना बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, तो इसमें आप अच्छी सी क्वांटिटी में डाल सकते हो। और उसके बाद में मैंने डाली है इसमें कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी का जो टेस्ट है, अगर वो आप मैरिनेट में इसको मिक्स करते हो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो आप हमेशा जब भी कसूरी मेथी का यूज़ करें तो हाथों से ऐसे हथेली से क्रश करके तब डालें, तो इसमें और ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए कितना थिक ये हमारा पेस्ट पूरा मैरिनेट तैयार हुआ है, और इसी तरह का हमें चाहिए, क्योंकि हमें बाद में इसको फ्राई करना है तो बहुत इजीली ये फ्राई हो जाएगा।
उसके बाद करते हैं ग्रेवी की तैयारी। तो यहाँ थोड़े से खड़े मसाले ले लिए हैं मैंने, तेज़पत्ता है, दालचीनी है, लौंग है थोड़ी सी, हरी इलायची है और बड़े वाली काली इलायची जो होती है वो भी हैं, दो ली है मैंने वो, और थोड़ी सी काली मिर्च ली है। तो ये मैंने पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए थोड़ा सा, और इसमें ये सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं। और ये एक कटोरी के करीब काजू थे ये मैंने इसमें ऐड कर दिए, और ये काफ़ी मोटे मोटे काट के मैंने ले ली थी चार प्याज, वो मैंने डाल दिए, और टमाटर भी मैंने काफ़ी मोटे मोटे काटे हैं और वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और ये अदरक मैंने क्रश कर लिया, इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये मेरा बॉईल हो चुका था, और ये मैंने पानी इसका अलग निकाल दिया, और इसमें से जो खड़े मसाले हैं वो मैं अलग निकाल दूंगी क्योंकि वो पीसने में फिर थोड़ी दिक्कत करेंगे। और उसके बाद में मैं इसको मिक्सी में पीस के बहुत ही इसका फाइन पेस्ट तैयार करूंगी, और ये जो पानी मैंने अलग निकाल के रखा है ये भी उसी पेस्ट के अंदर फिर मैं ऐड करूंगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए मैरिनेट हो गया है तैयार बहुत अच्छे से, इसको मैंने करीब 4 घंटे मैरिनेट किया था, और इसको अब मैं फ्राई करूँगी, मतलब शैलो फ्राई करूँगी मैं इसको, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ नॉनस्टिक तवा लिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा ले लिया ऑयल, और इसको मैं ब्रश की हेल्प से पूरे तवे पर स्प्रेड कर दूँगी। और जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं ये सारे जो पीसीज हैं ये एक एक करके प्लेस कर दूंगी इस पे। तो अगर हमारा मैरिनेट जो है वो इतना थिक होगा जितना मेरा है तो ये सारे पीसेस जो हैं वो अलग अलग अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि और अगर लिक्विड होगा तो ये ना आपस में चिपक जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि मैरिनेट थोड़ा सा थिक ही रखें, और थिक करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि दही को थोड़ा सा आप एक स्टेनर में कपड़े में छान लीजिए, थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए रख दीजिए उसको, तो उसका जो एक्सेस पानी है वो सारा निकल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा थिक दही आपको मिलेगा। और उसके बाद में इसको पलट लेंगे, पलट के दोनों तरफ से इसको मैं सेक लूंगी अच्छे से। तो बहुत अच्छे से सिक जाएगा क्योंकि ये मेरा तवा भी काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी सारे पीसीज एक साथ इसमें सिक जाएंगे। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है नीचे से इनका, और दोनों साइड से हमको यही कलर चाहिए, तो इसको पलट के सेक लेंगे अच्छे से। और मैंने काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में ये चाप मैं मैरिनेट करती हूँ और फ्राई करती हूँ, क्योंकि जब तक मेरा इनको बनाने का नंबर आता है ग्रेवी तब तक मेरी ये फ्राई होने के बाद में आधी चाप जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मेरे बच्चों को ये इस तरह से शैलो फ्राई या फ्राई बहुत पसंद है, तो वो पकौड़े की तरह इनको काफ़ी चट कर जाते हैं। तो देखिए सारी ये हो गई तैयार, और थोड़ा सा ये मैरिनेट नीचे बचा है तो इसको मैं छौंक में यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कितना सारा ये 1 किलो चाप है मैं जो लेके आई थी, और इसमें से जो जब बनेंगे तो ये थोड़े से ही रह जाएंगे, क्योंकि जो इसके क्रिस्पी क्रिस्पी पीसेस हैं वो सब बच्चे चट कर जाएंगे अभी। तो यहाँ कर लेते हैं छौंकने की तैयारी इसको। तो यहाँ मैंने पैन ले लिया है, इसको गरम होने देंगे और इसमें डाल देंगे रिफाइंड ऑयल, इसको गरम होने देंगे तेल को, क्योंकि पैन जो है मेरा काफी हैवी है तो थोड़ा टाइम लगता है इसको तेल गर्म होने में, लेकिन जब एक बार गर्म हो जाता है तो बहुत अच्छे से फिर ये सब्जी बनती है इसमें। और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा हींग,
और इसमें चौक में ना हम जीरे का या राई का किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे और डायरेक्ट ही इसको खाली मसाले डाल के ही चौक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल में ही डायरेक्ट डाल दी है देगी मिर्च, जो कि कलर के लिए होती है। और कलर के लिए अगर आप डायरेक्ट इसको तेल में डालते हैं ना सबसे पहले, तो कलर बहुत अच्छा आता है। तो उसके बाद में मैंने डाल दिया है वो पेस्ट जो मैंने टमाटर, प्याज और खड़े मसालों का पीसा था, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और इसको मैं अब बॉईल आने दूंगी इसमें अच्छा सा। इसको चलाते रहें और जब आप इसको चलाते रहते हैं तो ये बहुत जल्दी ही थिक होना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हो इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है। और इसमें मैं साथ में लगाऊंगी एक और तड़का, तो उसके लिए मैंने छोटा एक पैन ले लिया है, उसमें ऑयल ले लिया और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा बॉईल आया हुआ है कढ़ाई में और काफ़ी थिक हो चुकी है ग्रेवी। तो ये जो छोटे वाले पैन का ऑयल है ये गर्म हो गया, इसमें मैं डाल दूंगी देगी मिर्च। थोड़ी हल्दी, धनिया पाउडर हल्का सा, इसको मिक्स कर लेंगे, मसालों को अच्छे से पकाएंगे। और इसमें मैं डालूंगी जो मैंने गार्लिक, जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट था वो मैंने इसमें ऐड किया है, जो हमने मैरिनेट के टाइम पे भी ऐड किया था, तो वो मैं इसमें डालूंगी। तो इसमें ना लहसुन की बहुत अच्छी सी स्मेल आ जाएगी। और ये छौंक मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी कढ़ाई वाले ग्रेवी में, तो इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आ जाएगा। और अब इसको जला लेंगे। तो मेरी इस गैस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये ना कभी चलती है कभी आधी चलती है, तो ऐसी है। तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी वापस अपनी इसी गैस पे और इसको अच्छे से चला दूँगी। तो ये बॉईल होते होते ना बहुत जल्दी थिक होने लगती है। इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी मलाई, करीब 2 से 3 चम्मच मैंने मलाई डाली है इसमें। इससे इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा मतलब रॉयल हो जाएगा, जैसा कि हम लोग कश्मीरी जो कढ़ाई पनीर या शाही पनीर जो हम बनाते हैं उसकी जो ग्रेवी होती है उस जैसा कलर इसका आ जाएगा। इसमें मैं ऐड करूंगी किचन किंग मसाला, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है किसी भी सब्जी में। तो ये मैं ऐड कर दूंगी 2 बड़े चम्मच इसमें। और आप देख सकते हो कि कितनी थिक होने लगी है ये ग्रेवी इसकी। और क्योंकि मुझे ये बिल्कुल सूखा सूखा नहीं चाहिए, तो मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी ये सारे सोया के पीसेस जो कि हमने शैलो फ्राई किए थे। और थोड़ी देर इसके साथ भी इसको पकाएंगे, जिससे कि इन पीसेस के अंदर ये ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से जूस चला जाए ये। तो ये सारे पीसेस डाल दूंगी मैं इसमें। और आप कलर देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है, और मेरी कढ़ाई पूरी फुल भरी हुई है, तो चलाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। लेकिन मुझे ज़्यादा ये पकानी नहीं है, क्योंकि बस ये है कि थोड़ा सा ये आपस में मिक्सअप हो जाए ग्रेवी और ये पीसेस। तो करीब 5 से 7 मिनट के लिए इस टाइम मुझे इसे चलाना है, अदरवाइज इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और सबसे लास्ट में मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी, और ऐसे ही डालनी है हथेली के बीच में क्रश करके, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है कसूरी मेथी का। इसमें हम हरा धनिया वगैरह नहीं ऐड करेंगे, कसूरी मेथी ही डालेंगे बस। तो आप देख लीजिए कितनी अच्छी टेस्टी सब्जी लग रही है देखने में, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और इसके साथ में देखिए ये टेक्सचर इसका हुआ था बनके तैयार। और इसके साथ में मैंने बनानी थी नान, तो आप कर लेते हैं नान की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने एक छलनी ले ली है और उसमें मैं छान लूँगी मैदा।
तो मैंने यहाँ पे लिया है जो सब्जी बनाने वाले चमचे होते हैं वो 4 चमचे भर के लिया है मैदा, और इसको मैं पहले मैं छान लूँगी, क्योंकि मैदा हो या सूजी वगैरह कुछ भी हो इसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो वो निकल जाएंगी। और उसके बाद यही सेम चमचा भर के मैं 2 डालूँगी सूजी के, तो सूजी इससे ना सूजी से थोड़ी सी बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आ जाता है और क्रिस्पी बनती हैं जो नान बनती हैं हमारी, तो ये भी मैं छान लूँगी और उसको मिक्स कर लेंगी दोनों चीज़ को अच्छे से। और बीच में इस तरह से देखिए थोड़ा गड्ढा सा कर लेंगे, और इसमें डालना है हमें ऑयल थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ 2 से 3 चम्मच के करीब डाला है, थोड़ा नमक ऐड किया। और ये है थोड़ा सा ना खाने का सोडा जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं मीठा सोडा, तो वो 1 पिंच लिया है मैंने। और वो जो मेरी दही थी थिक वाली वो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब ली है, तो दही ना अगर खट्टी भी होगी तो आप थोड़ी कम ले लीजिए, अगर नॉर्मल है तो आप 2 चम्मच ले लीजिए। तो इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे के अंदर, तो पूरे आटे में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह। देखिए आप मुट्ठी दबाएंगे तो इस तरह का लड्डू सा बन जाए। तो ये उसके बाद में हम पानी गर्म कर लेंगे, और मतलब गर्म ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का सा गर्म पानी हो उससे आप इसको गूंथिएगा तो बहुत ही नरम आपका आटा गूंथेगा। और इसको खूब अच्छे से गूंथ लेंगे, सर्दियों में वैसे भी हम नॉर्मल आटा भी थोड़े गर्म पानी से ही गूंथते हैं तो अच्छा रहता है आटे के लिए। और इसमें देखिए इस तरीके से मसल मसल के हमें ये इसका अच्छे से डो तैयार करना है, और क्योंकि हमने इसमें सूजी भी डाली है तो ये आटा बहुत जल्दी टाइट हो जाएगा, तो इसमें बिल्कुल भी पानी में कंजूसी ना करें, और क्योंकि ये फूलती है जो सूजी है, और इसको थोड़ी देर हम रेस्ट के लिए रखेंगे तो आटा काफ़ी टाइट हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें पानी लगा के और तब आप इसको रख दें 10 मिनट के लिए। तो देखिए 10 मिनट बाद मैंने दोबारा से इसको अच्छे से मसल लिया है और इसका एक डो अच्छा सा तैयार हो गया, क्योंकि जितनी सूजी फूलनी थी वो फूल चुकी है। तो देखिए इस तरह से हम इसको बाहर की तरफ इसको ना प्रेस करते रहेंगे, और बीच में से ये इस तरह से क्रैक्स जो आते रहते हैं ये ख़त्म होने चाहिए, तब तक आप इसको ऐसे मसल लीजिए। और इसको रख के ना आप कोई कपड़ा हो आपके पास ना सॉफ्ट सा कपड़ा, उसको आप गीला करके और इसके ऊपर इससे कवर कर दीजिए, तो इससे क्या होगा ना, एक तो ये टाइट नहीं होगा और ये ऊपर से पपड़ी नहीं आएगी इस पे। तो उसके बाद कर लेते हैं नान बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे एक लोई ली है, और नॉर्मल जो लोई होती है हमारी रोटी की उससे थोड़ी बड़ी लेनी है, और उसको भी ऐसे ही गोल बना लीजिए सूखा आटा लगा के, और फिर बेलना शुरू कर दीजिए। जिस भी शेप में आप चाहें उस शेप में बेल सकते हैं। तो सूखा आटा लगा लगा के आप आराम से इसको बेल सकते हैं, और बहुत इजीली बेल जाती है। और उसके बाद में आपको इसके ऊपर एक साइड में लगाना है, देखिए स्ट्रेच हो जाता है काफ़ी क्योंकि इसमें मैदा है, तो ये पानी एक साइड में हमें इसे लगा लेना है काफ़ी अच्छे से, और पानी वाली साइड से ही हमें ये डालनी है तवे के ऊपर। तो देखिए डालने के बाद मैंने ये खींच के थोड़ी लंबी करके तवे पे बिछा दी है, और मैंने यहाँ पे थोड़े से ना जो कलौंजी आती है ना वो डाल दी है, आप चाहें तो हरा धनिया भी इसमें ऐड कर सकते हैं, चिपका सकते हैं ऊपर की तरफ से। तो आप देखिए बबल्स आने शुरू हो गए हैं दूसरी साइड में ऊपर की तरफ, तो उसके बाद इसको पलट के तवे को उल्टा करके सेक लेंगे तो काफ़ी क्रिस्पी, देखिए आप ये सिक गई है और मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसके ऊपर हम लगा देंगे अब मक्खन, क्योंकि गर्मा गर्म नान है हमारी, तो मक्खन लगा के बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए इस तरह से मक्खन स्प्रेड कर देंगे काफ़ी अच्छे से, और आप इस नान का ना
देखिए कलर कितना अच्छा आया है, कितनी अच्छे से सिकी है ये। तवे को उल्टा करके गैस पे आप इजीली इसको सेक सकते हैं, क्योंकि जब हम तवे पे इसको डालते हैं तो ये तवे पे चिपक जाती है। और हमेशा याद रखिएगा कि नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल ना करें, लोहे के तवे का ही इस्तेमाल करें, तभी ये बनेगी। तो आप देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, दोनों साइड से बहुत अच्छे से सिकी है ये नान। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।